बुलचित जल पावक जगन समीरा प्रयागराज की गंगा में बाताओ एक बार जाकर के गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। पवित्र गंगा जी की कलकल छलछल धार बह रही है, एक बार जाकर के डुबकी लगा लो माताओं, ये पंच भौतिक शरीर पवित्र हो जाता है। संत महात्माओं ने कहा, और एक भागवत कलिकाल की गंगा है माताओं, और ये गंगा जहां भी एक बार प्रकट हो जाए, ये गंगा में भी तीन संगम है माताओं। उस गंगा में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तो ये भागवत रूपी गंगा में ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संगम है। और इसमें भी अगर एक बार आदमी आकर के डुबकी लगा ले, यह राम नाम की धार है, कृष्ण नाम की धार है, जो सात दिन अविरल बह रही माताओं यादव परिवार की गृहस्थ है, और इस गंगा में जो एक बार आकर के डुबकी लगा ले, उस गंगा में डुबकी लगाने से माताओं शरीर पवित्र होता है, तो राम नाम कृष्ण नाम की भागवती गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से ये आत्मा पवित्र हो जाता है। और आज पूरा यादव परिवार यही प्रयास कर रहा है, यही यादव परिवार के जनक स्वर्गीय दाऊ जगन्नाथ जी, श्रीमती लक्ष्मीबाई, ऐसे स्वर्गीय अपने माँ बाप की याद में, शरीर तो चला गया है मेरी माताओं, जगन्नाथ जी का एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह, एक दादा की तरह जो शरीर का संबंध था वो तो यादव परिवार से खत्म हो चुका है। पंच भौतिक शरीर चला गया है, और उस शरीर को इस दुनिया से विदा करने वाला यही घर यही परिवार होता है। आज भले ही वो जगन्नाथ जी का शरीर चला गया हो, लेकिन उसकी आत्मा भगवान के चरणारविंदों में स्थान मिल जाए, उसको सदगति मुक्ति मोक्ष मिल जाए। अब ऐसे परंपरा के जीव है, मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा, हमारी परंपरा सनातन परंपरा है, और ऐसी परंपरा है कि जीते जी की बात कौन कहे मेरी माताओं, मरने के बाद भी किसी का अहित नहीं चाहती है। नहीं तो मर गया क्या मतलब, लेकिन नहीं, हम वो परंपरा के लिए हैं, बाप जब मर जाए तो बेटा वही बाप के निमित्त में मृतक कर्म करता है, उसी कर्म के प्रभाव से जीव को सदगति मुक्ति मोक्ष मिलती है। आज यही कर्म सम्मानित दाऊ हेमंत यादव जी अपने घर परिवार बाल बच्चों के साथ मिलकर के, बेटा बहुओं के साथ मिलकर के, आज दिन दुनिया को भूल करके माताओं जैसे सात दिन परिच्छेद गंगा जी के तट में सुखदेव के संगत में रहा, आज भागवत जी की शरणागति गति में, आज भगवान द्वारकाधीश की शरणागति में, आज पूरा यादव परिवार बैठा हुआ। चौथे दिन की कथा है, आई ऐसी कथा गंगा में प्रवेश पाने से पहले पुनः एक बार धीरे तरह के पवित्र पावन धरा में निवास करने वाले सभी आदरणीय सम्मानी नागरिक बंधुओं का, प्यारी माताओं का, बड़ों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, युवा साथियों का, यादव परिवार में आए हुए आप सभी मेहमानों का, और ज्ञान गंगा में मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे सम्मानी हेमंत दाऊ जी, उमा देवी यादव, उनके दोनों सुपुत्र भाई कुलदीपक मोहित जी, दोनों पुत्र वधुआ सेजल नेहा यादव, घर परिवार की लाडो बिटिया खुशबू, आप सभी के उनका चरण में विराजमान भगवान की उस दिव्य मूर्ति को मेरी व्यासपीठ की ओर से आप सभी का नमन है, वंदन है, स्वागत है, प्रणाम। और आए ऐसी ज्ञान गंगा की गाथा में प्रवेश पाने से पहले मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं कि कलिकाल का धर्म क्या है। बोले नहीं कलि कर मन भगत विवेक हो, और राम नाम
मैं अवलंबनी। कलयुग में करना क्या है? बोले कलयुग केवल हरि गुण गाओ, नर पावही भव सागर था। तो आइए यादव परिवार के इस ज्ञान गंगा में हमको भी भगवत की कृपा मिल जाए, थोड़े से ठहर मिल जाए, थोड़े से भगवान नाम का गीत गा ले, गाना गा ले, भगवान नाम की ताली बजा ले, और उसके पश्चात ये ज्ञान गंगा में प्रवेश पाए। भाई प्रेम शिव भागवत भगवान की भगवान की जय। जय जय राधा रमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
प्रेम सुन भागवत भगवान की धन प्रेमी सज्जनों भक्ति स्वरूपा में मेरी माताओं पतित पावनी गंगा जी का पावन तट हजारों की भीड़ लगी है माताओं सुखदेव जैसा संत महाराज परिचित हाथ जोड़ करके बैठा है। कल कथाओं के माध्यम से आपने श्रवण किया मेरे भाई महाराज प्रहलाद जैसे भक्त हुआ प्रहलाद जैसे छोटे से बालक की भक्ति के कारण भगवान नरसिंह बन के आए माता और जैसे भगवान नरसिंह बन के आए सुखदेव कहे राजन इतना विकराल चेहरा है माताओं नरसिंह डर के मारे सारी सभा शांत हो गई। प्रहलाद भी धीरे से महाराज हिरण्यकश्यप को शांत करने के बाद हाथ जोड़े 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 भगवान के सामने आए और जैसे भगवान के सामने प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके आया भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद अरे तू हाथ मत जोड़ रे धन्य है तेरी भक्ति धन्य है तेरी पूजा धन्य है भगवान नाम के प्रति तेरी निष्ठा अरे तेरे जैसे भक्त के सामने नरसिंह हाथ जोड़ता है। बोले क्यों? बोले प्रहलाद आज भक्ति के मार्ग पर चला बेटा तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी जीते जी आग में जलाया गया जहर भरिया भूखा प्यासा रहा हाथी के पैरों तले दबाया न जाने कितनी पीड़ा कितनी दुख लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने भक्ति के मार्ग को नहीं त्यागा। भक्ति का मार्ग जीवन में याद रखो सबसे के मार्ग जो होता है मेरे भाई थोड़े देर चलने के लिए जैसे कदम उठाओगे एक कलयुग है नाना प्रकार की अड़चने आएगी लोग कांटे बिछाएंगे लेकिन अपने सत्य अपनी निष्ठा के ऊपर अड़िग रहोगे तो याद रखना दुनिया वाले भले ही कांटे बिछाए लेकिन भगवत कृपा होगी वो कांटा भी फूल बनेगा। देख लो प्रहलाद के जीवन को थोड़ा सा अनुभव कर लो कथा के माध्यम से भक्ति के मार्ग पर चला बाप ही दुश्मन बन करके खड़ा हो गया। भगवान नरसिंह ने कहा बेटा प्रहलाद अरे दुष्टों ने कमी नहीं की बेटा प्रहलाद तुझे सताने में भक्ति के मार्ग पर चला तो कितनी तकलीफ उठाई। बोले दुष्टों ने कमी नहीं की बेटा प्रहलाद तुझे सताने में आग से जलाने में जहर पिलाने में जहर पिया आग से जल अरे क्षमा करना बेटा प्रहलाद मुझे देरी हुई याद दुनिया के हर दुख तकलीफ को झेल लिया तब आज नरसिंह मंदिर तेरे सामने आया धन्य है तेरा जैसा भक्त। इसीलिए तो भगवान का नाम है माताओं प्रेम शिव भक्त वत्सल भगवान भगवान भक्त की महिमा प्रकट करते हैं और यही प्रहलाद ने जब भक्ति के मार्ग के सामने भगवान नरसिंह बन के आए कहा बेटा प्रहलाद मांग ले वरदान तो प्रहलाद ने क्या मांगा मेरे भाई धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नई मेरी माता ध्यान दीजिएगा मेरे भाई प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा। प्रहलाद को भगवान ने कहा धन्य है तेरी भक्ति प्रसन्न बेटा मांग ले वरदान तो प्रहलाद ने भगवान के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कहा मालिक अभी अभी आपने जिसको मारा कौन हिरण्यकश्यप। प्रहलाद ने कहा ठाकुर वो जिस हिरण्यकश्यप को अभी अभी आपने मारा वो मेरा बाप था और मैं उसका बेटा हूं और हमारी परंपरा कहती है बाप जिस दिन मर जाए बेटा
बेटा का एक ही धर्म होता है, बिना पुत्र सम गतिर नास्ती। दुनियादारी को भूल जाओ, बेटा होने का कर्तव्य याद रखो। और प्रहलाद ने कहा, मालिक जिस हिरण कश्यप जैसे बाप को आपने मारा, मैं जानता हूं वह धर्मी था, अन्यायी था, अत्याचारी था। अरे धर्म की बात छोड़ो, उन्होंने तो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, इतना अन्यायी था। अधर्म जीवन भर अधर्म किया। तो मैं ये चाहता हूं ठाकुर, चाहे वो जैसा भी किया, जैसे भी किया, वो बाप था उनका कर्म हो जाने, और बेटा होने के नाते यही चाहता हूं ठाकुर कि जिस हिरण कश्यप को आपने अभी अभी मारा, मेरे जीवन भर की भक्ति ले लो, जीवन भर की पूजा ले लो, जीवन भर की प्रार्थना ले लो, और उसके बदले में देना है तो एक ही वरदान दे दो ठाकुर। मैं जानता हूं मेरा बाप अधर्मी था, लेकिन फिर भी उसके अधर्म के प्रभाव से नरक नहीं, मेरे जीवन भर की भक्ति ले लो और देना है तो यही वरदान दे दो, मेरे बाप हिरण कश्यप को आपके चरणों में जगह मिल जाए, सदगति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा प्रहलाद धन्य है तेरा जैसा बेटा बोल। अरे ऐसा बाप जो जीवन भर की है तेरे साथ है? अरे जीते जी अपने बेटा को जला दिया, जहर पिला दिया। आज भले हम कलयुग है करके बोलते हैं मेरी माता मेरे भाई, लेकिन कलयुग भी है तो देख लो, बाप बेटे में भगवान न करे ऐसा मत हो, लेकिन होता भी होगा थोड़ा बहुत, तो तू मैं होता होगा। आज भी भले कलयुग में हिरण कश्यप और प्रहलाद जैसे बाप बेटा के बीच में हुआ, आज कलयुग में नहीं हो रहा है। कोई बाप अपने बेटे को जिंदा नहीं जला रहा है, कोई बाप अपने बेटे को जहर नहीं पिला रहा है। लेकिन देखिए जिस बाप ने जहर पिलाया, जिंदा जलाया। प्रहलाद कहता है, मालिक वो बाप को भी सदगति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। हिरण कश्यप के सामने भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद ऐसा बाप जो जीवन भर तेरे साथ अति किया, अन्याय किया, अरे वो मर गया है, और ऐसा अन्याय या धर्मी बाप मर जाए तो तेरे जैसे बेटा को तो पार्टी देना चाहिए। बोले छोड़ना नरक में जान दे, ऐसे बाप मर गए जीवन भर अति करी, अगर धन दौलत रुपया पैसा मालिक बन गए तो बेटा पार्टी दे उसी मना, जीवन भर अधर्म करे नरक में जान दे। लेकिन नहीं मेरी माताओं, देखिए कथा क्या कहती है। प्रहलाद ने क्या कहा, बोले मही ठाकुर बाप ने जो किया उसका कर्म वो जाने, और मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि बाप मर जाए तो बेटा का एक ही धर्म होता है, क्या? अपने बाप की सदगति बनाना, मृतक कर्म करना। और आज अगर मैं प्रहलाद हिरण कश्यप का बेटा हूं तो मेरा यही कर्तव्य है, मेरी यही पूजा है कि मेरे बाप को सदगति मुक्ति मोक्ष मिल जाए, बेटा का यही धर्म। भगवान सूर्य के राजन, यही तो बेटा है माताओं। आज देख लो कथा प्रमाण कर रही है। जीवन में याद रखना मेरे भाई, हम भी और आप भी कोई ना कोई हमारा आपका भी बाप है, जिसकी उंगली पकड़ करके हमने आपने चलना सीखा। कई बार ऐसा क्षण आता है कि बाप बेटे में तो तू मैं हो जाती है, कुछ जमीन जायदाद रुपया पैसा बंटवारा को लेकर के बाप बेटे में झगड़ा हो जाती है, बेटा जो है बाप से अलग हो जाता है, अलग अपनी दुनिया बसा लेता है। कोई बात नहीं, अलग हो करके बाप से सुखी, अगर आपके जीवन में शांति है तो अलग हो जाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक कथा का सिद्धांत, जिस दिन बाप मर जाए, बेटा चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, याद रखिए बेटे का धर्म क्या क्या था। आज देखना दुनिया में कई ऐसे बेटे हैं, गांव में ही बाप से अलग हो जाता है छोटी मोटी बात को लेकर के, और जिस दिन बाप मर जाता है गांव वाले बेटा के पास जाएंगे, भैया तुम बड़े बेटे हो,
अरे जियत जियत बाप का थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई हो गया अलग बात है, आज तो बाप मर गया है, ये बड़े बेटा है। बोले जब जब के तुम नहीं जाओगे भाई काठी माटी कैसे होगी, चलो अर्थी उठाना। आज देखना छोटे सी बात को लेकर के बेटा जो है माताओं बाप मर जाए। बोले ऐसे बाप जिन्होंने जीवन भर अन्याय किया, मेरे बंटवारा में कमी ज्यादा किया, ऐसे बाप के क्या अर्थी काठी माटी में जाऊंगा। आज का इंसान छोटे से धन के कारण बाप की काठी माटी में नहीं जाता है, अर्थी नहीं उठाता है। देख लो कथा गवाह। अरे प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यप जैसे बाप ने क्या क्या नहीं किया, फिर भी बेटा होने का धर्म नहीं छोड़ा बड़े भाई। याद रखना कथा परंपरा कहती माताओं, जिस दिन बेटा के जीवन में माँ बाप मर जाता है और बेटा जो होता है माताओं बाप की या माँ की अर्थी को कंधा में लेकर के शमशान घाट जाता है। गांव घर परिवार आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई दुखी मना रहा है, क्योंकि जिस माँ बाप की उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिस माँ के गर्भ से जीवन मिला, वो माँ मर गई बाप मर गया, स्वाभाविक है दुख होता है, तकलीफ होती है, आंखों में आंसू रहती है। लेकिन संत महात्माओं ने कहा मेरे भाई जिस दिन वो बेटा अपने माँ या बाप की अर्थी को लेकर के अपने घर से निकलता है कहाँ, शमशान घाट की ओर। लोग रो रहे हैं गांव घर परिवार, राम नाम सत्य है सबसे यही गत है, भगवान नाम की नारा लगा रहे, जयकारा लगा रहे। और बेटा जब घर से अपने माँ बाप की अर्थी को लेकर के शमशान घाट की ओर निकलता है और माँ बाप की अर्थी को कंधे में लेकर के पदे पदे तो गत्राणि घर से निकल करके शमशान घाट तक जाता है और बेटा माँ या पापा की अर्थी कंधा में रखा है, कथा की महिमा कहती है, पुराण कहती है, वो बेटा जब घर से निकल करके एक एक कदम आगे बढ़ता है तब अपनी माँ बाप की अर्थी को कंधा में लेकर के बोले पदे पदे तो गत्राणि एक एक पद आगे बढ़ते जाता है। तो यज्ञ कुर्वन्तु सर्वदा, वो बेटा के जीवन में क्या पुण्य मिलता है मेरे भाई, एक एक यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, माँ बाप की अर्थी को कंधा में लेकर के चलने वाले बेटे के जीवन में वो यज्ञ करने का पुण्य मिलता है माँ बाप। बेटे के जीवन में याद रखना माँ बाप की अर्थी को कंधा देना सौभाग्य का दिन होता है मेरी माता। भगवान करे हर बेटा के जीवन में वो क्षण आए कि अपनी माँ बाप की अर्थी को कंधा दे करके शमशान पहुंचा। बेटे के जीवन में अगर ऐसा क्षण आता है तो संत महात्माओं ने कहा बेटे के जीवन के लिए सौभाग्य का दिन है। आप कहोगे महाराज किसी का बाप मर गया है मां मर गई उसको आप सौभाग्य का दिन बता रहे हो, नहीं मेरे भाई, याद रखना ये व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुख लगता है, पारिवारिक दृष्टि से सोचा जाए तो जिस माँ बाप की उंगली पकड़ के हमने आपने चलना सीखा वो मां मर गई बाप मर गया दुख लगता है। लेकिन संत महात्माओं ने कहा बेटा का जन्म ही यही है बिना पुत्र संगति नास्ति, भगवान करे हर बेटा के जीवन में वो क्षण आए कि माँ बाप की अर्थी को कंधा देकर के शमशान घाट ले जाए, ये बेटा के लिए सौभाग्य का दिन। और याद रखना भगवान न करे किसी माँ बाप के जीवन में ऐसा क्षण मत आए कि जिस बेटा को जिस माँ ने जन्म दिया जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया वो तो माँ बाप के जीवन में अगर बेटा की अर्थी उठाने की नौबत आए तो याद रखना वो माँ बाप के लिए दुर्भाग्य का दिन है। जिस बेटा को उन्होंने अपना सहारा माना भगवान न करे कभी वो माँ बाप के जीवन में क्षण आए कि वो बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। आज प्रहलाद जैसा भक्त माताओं देख लो इतने दुख और पीड़ा के बाद भी अपने पुत्र होने का धर्म नहीं किया गया, यही तो बीता है माताओं। धन दौलत रुपया पैसा का बंटवारा लेने वाले तो दुनिया में हजार बेटा होते हैं लेकिन बाप के लिए कुछ कर गुजरने की
बाप के लिए कुछ करने की मन में संकल्प लेने वाला प्रहलाद जैसा कोई न कोई हजारों हजारों में कोई कोई बेटा होता है। इसलिए जीवन में याद रखिए, ये प्रहलाद की कथा का संदेश, माँ बाप की अर्थी को कंधा लेकर के जाना, भर 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 चिता में आग लगाना, माताओं मातृ ऋण पितृ ऋण से पूरी होने का दिन है। जिस माँ की गोदी में खेला, 9 महीने गर्भ में रहा, जिसका आंचल तले जीवन जिया, उस माँ के ऋण से, दूध से, ऋण से पूरी होने का दिन है। संत महात्माओं ने कहा, जिस दिन माँ बाप मर जाए, अगर थोड़ी बहुत हो सकता है आपके जीवन में कोई मतभेद भी हो, कोई गीला शिकवा भी हो, तो बस सारे गीला शिकवा चीता की आग के साथ शमशान घाट में जला दो। और एक ही चीज याद रखो कि अगर वो माँ बाप का प्रेम नहीं होता, वो बाप का सानिध्य नहीं होता, वो माँ का गर्भ नहीं होता, तो आज दुनिया में आनंद सुख भोग कर रहे हो कभी जीवन में संभव नहीं होता। आज उसी कृपा का प्रसाद है। इसलिए संत महात्माओं ने कहा, बेटा होने का धर्म, छोटी सी बात के लिए मत निभाने के लिए जीवन में मत चुकना। भगवान राम जैसे अवतारी भगवान बने माताओं, महाराज दशरथ की चीता को कंधा देने का सौभाग्य नहीं मिला। ये पुण्य का दान है। भगवान करे हर बेटा को ये समय मिले कि अपने बाप की सदगति बना सके, मुक्ति बना सके, उसे मोक्ष का मार्ग बना सके। और ऐसा सौभाग्यशाली बेटा बोले, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात वचन अनुरागी। और ऐसा बेटा मेरे भाई बोले, दुर्लभ जननी सकल संसार उतनी मात पित तो निहारा। सौभाग्यशाली माँ बाप होते मेरे भाई जिसके जीवन में ऐसा बेटा आता है। और आज ये यदुकुल में, यदुवंश परिवार में, आज जो कथा में आप श्रोता बन करके बैठे हो, आज हमको आपको व्यासपीठ में भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। माताओं आज देखिए, जिस बाप की उंगली पकड़ करके चलना छिका वो भंगी जगन्नाथ जी, आज यही गांव की धरा, यही घर, यही परिवार, यही दुनिया। जिस बेटा हेमंत को जन्म दिया, आज देखे माताओं, आज वही हेमंत भैया पूरे परिवार के साथ अपने घर परिवार बाल बच्चे भाई बंधु आज प्रहलाद की तरह। ये क्या है माता? वही बाप जिसकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, स्वर्गीय जगन्नाथ जी को सदगति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। जिस माँ बाप से जीवन मिला, घर मिला, परिवार मिला, शरीर मिला, आज एक प्रहलाद की तरह। वो प्रहलाद भगवान नरसिंह सामने बैठे थे और आज दाऊ जगन्नाथ जी की विस्मृति में, उनके चरणारविंदों में भगवान की कृपा मिल जाए, आज भैया हेमंत कुमार दाऊ जी भी प्रहलाद की तरह आज भागवत जी के सामने, कन्हैया के सामने, आज व्यासपीठ में पूरा परिवार एक साथ बैठा है। भगवान करे जैसे प्रहलाद की भक्ति के प्रभाव से हिरण्यकश्यप जैसा धर्मी को भी भगवान का चरण बिंद में जगह मिला, मेरी व्यासपीठ की यही कामना कि आज हेमंत जैसे बेटे के धर्म के प्रभाव से, सत्कर्म के प्रभाव से, भागवत रूपी गंगा के प्रभाव से भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में स्वर्गीय दाऊ जगन्नाथ जी को, उनके पूर्वजों को सदगति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, मेरी व्यासपीठ की यही कामना। धर्म सज्जनों भक्ति स्वरूपा में मेरी माताओं, आज चौथा दिन है और चौथे दिन में भागवत कथा की परंपरा के अनुसार भगवान कन्हैया का आगमन होता है। सुखदेव कह राजा ने, यहां तो बाहर प्रहलाद जैसा भक्त हुआ, बोले मेरे राम मेरे ठाकुर तो इतने दयालु इतने कृपालु है राजन कि जीव की बात कौन कहे, कोई जानवर भी बुलाया है तो भगवान आ गए।
राजा परिचित ने कहा महाराज जानवर कैसे भगवान को बुलाएगा भाई, तो किस जानवर ने बुलाया? संत महात्माओं ने कहा माताओं आठवें मन्वंतर की कथा बताए गजेंद्र ग्राह मोक्ष की कथा। गजेंद्र यानी हाथी, ग्राह यानी मगर। ये हाथी के बुलावे पर भी भगवान आए। कैसे आए? ये हाथी की कथा नहीं संत महात्माओं ने बताया, हमारे आपके जीवन की कथा। हाथी के जीवन में ऐसा क्षण आया, अपना उनका एक परिवार है, टोली है, 10-20-25 झुंड के झुंड त्रिकुट नाम के पर्वत में जीवन है। यही हाथी की 2-4 पत्नियां हैं, छोटे छोटे 8-10 बच्चे हैं। बच्चों के मन की भावनाओं को रखने के लिए माताओं ये त्रिकुट पर्वत को छोड़ा और कथा कहती है दूसरे जंगल में भ्रमण के लिए आए, वने भ्रमण। बच्चों ने कहा पिताजी जब से जन्म लिए यही त्रिकुट पर्वत, बोले कहीं दूसरी जगह ले जाओ, कहीं वने भ्रमण करें। भैया आजकल भी जैसे होता है ना, जैसे बच्चों के छुट्टी लग जाए तो आदमी 2 मिनट में ससुराल में नहीं रहता। बच्चे के छुट्टी लग जाए मम्मी पहले से इंतजार करती है, 3 दिन लेकर मन के छुट्टी तुरंत, छुट्टी हो पहले प्लानिंग हो जाए, 3 दिन की छुट्टी मिले महाराज कहाँ जाए, अब कहाँ जाए, लेके डाल जाए। तो आज भी होता है, सारे बच्चों को लेकर के महाराज हाथी जो है दूसरे पहाड़ी में भ्रमण करने के लिए आया। और यही पहाड़ी में चलते 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 चल जब हाथी आया, भारी भरकम शरीर, 10-20-25 किलोमीटर चला, शरीर थक गया, प्यास लगने लगा, और तब जाकर के वही 3 टापरियों के बीच में देखा एक छोटा सा झील है, पानी भरा हुआ है। जैसे बच्चे प्यासे थे माताओं, पानी को देखा, ओ दौड़ दौड़ करके जाकर के उतरने का प्रयास करने लगे। हाथी ने कहा देखो रे, ये दूसरे पहाड़ी है, दूसरा जंगल है, अनजान जगह है, हम लोग को मालूम नहीं है, और देख रहे इतने बड़े पहाड़ी के बीच में छोटा सा झील है, ना जाने इसमें कितना पानी भरा है, अगर एकाएक तुम जाकर के उतर गए, छोटे छोटे बच्चे हो, तकलीफ में पड़ जाओगे, सभी खतरे में पड़ जाएगा, ना जाने कितना गड्ढा है, कितना था पानी घिरा है, कोई भरोसा है? तुम बच्चे हो, एकाएक नीचे मत उतरो। अपनी पत्नियों को कहा तुम नारी की जात हो, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तुम भी मत जाओ, तुम्हारे जीवन खतरा में पड़ जाएगा, है ना भाई, जो कि अनजान जगह है भाई। पहली जमाने में याद करो दाई हो, बर बिहाव जब हुआ है तो स्वाभाविक है बर बिहाव सगस उधर आता है, तो जितका सगस उधर आते हैं सूट के उठे पर जब नहाए पर तरिया जाए, बाथरूम के जमाना नहीं, इस जमाने में तरिया रहा। तो अपन अपन नहीं डाल जब तक सजावे ना, दाई भाई मन का करती है सूत की ओढ़ती, जितना कपड़ा लगता है तेन कोनो बाल्टी में गंजी में घुमेट के धर ली, नतकन माटी रात धर ली, और अपन अपन डहर के मैके सगल धरी, चलो नहा जाबो, आ 2 जन 4 जन 8 जन रेंगे रेंगे तरिया। वो जमाना उसने रहा, और अनजान सगा दूसर सोना है कि हाँ माए हो, तो भाई दूसर का तरिया के बारे में काजन ही हो, तो जेब गांव वाले रहे बहु बेटी है काजन डोकरी रहे चाहे मैं सब्जी सजन में धर के गिर रहे चाहे मैं काट करती कपड़ा लगता फटाफट फटाफट धो लेती, और वो गांव वाले डोकरी ना तेल पहली तरिया उतर कर देख समझी जैसे ढाल कैसे उतर बे कहते में जैसे कंगू आवे समझी ने दे ढार आवे और जैसे टुकले बुलबे अपन पहली हूर के बताओ का बराबर। भाई दूसर गांव जगह है भी हाँ मारते हैं, हमारे जानकारी तो नहीं तरिया के बारे में, और कट्टा कहीं सोच उतर गए बड़े जन पथरा है काई रचे भंगरस ले कहूं उलन गए तो बिहा माहित कर यह छूट गए कल अनाज है आई बात हो गई। तो कह रहा है सचे थे, अब वो अलग बात है कि वो जब आलम तरियम जब तक कर यह नहीं टूटा त्रिश आज बाथरूम में गिर के टूटा है वो अलग मैटर है। तो
ये हाथी ने भी यही किया माताओं का, अरे बच्चों ये नया जगह है, नया तालाब है, पहाड़ी का है, पता नहीं कितना पानी भरा है, क्या है कोई मालूम नहीं, अगर एक एक उतर गए जीवन फंस जाएगा, खतरे में पड़ जाओगे। तुम बच्चे हो, पत्नियों को कहा था नारी की जात हो, क्या किया माताओं, पत्नी बच्चों के जीवन में संकट मत आए, खुद नीचे उतर गया, खुद उतरने के बाद पानी पिया, ओ सूर में फुंकार मार मार के सारे पत्नी बच्चों सबको पिलाया। अब हाथी तो देखे ही आपने कितना भारी भरकम शरीर रहता है, अब नियम क्या कहता है, पानी पी लिया पिला लिया तो वहां से निकल जाना था, लेकिन नहीं मानता हूं हाथी हो, 10-20-25 किलोमीटर बाहर रेंग रेंग के आ रहा है, हमारा ठंडा ठंडा जंगल के पहाड़ी के वहां कुआं सन पानी मिली झिरिया से, कहां निकलने वाला भाई गे भोंडैया मारे तो समझ बेकार हाथी है ना। आप किसान आदमी हो कल्पना करके देखो, पहली जमाना जब जाए ना बैला भैंसा नांगर दुठन चला, एक बैला वाले नांगर एक ठन भैंसा वाले नांगर, तो नगरिया में जिसे सुगर नांगर फंदा जाए 11 बजे बिल्कुल ऐसे रहे कि नांगर ढीला जाए, तो नगरिया में क्या करे, वो नांगर खेते छोड़ दे, वो जमाना की बात है, अब तो नांगर ही ना गए तो अब बैला भैंसा मन घर के आती न, और जैसे वो किसी किसी आवाज से आगे आगे बैला भैंसा रेगा रेगा तो इस तरह कहूंगा, तो जे नागर ले गिर है बैला भैंसा लेके दिन में क्या कर अपन ना है, पहली हुई मेरे बैला बगल में खड़ा कर देती तरिया में हाथ और पैरा धरती, पानी मार पसर में से भर रहा छिपकी बैला रगड़ देती फिर छिप देती एक दिन न मारी, वो नहाय पहले बैला नहा रेंगे रेंगे चुपचाप घर आ रहा है बैला, और भैंसा वाले नांगर वाले भैंसा कहूं रेंगत रेंगत आगे कहूं तरियम कहूं खुसर गए, और नगरिया जी छूट जही लेकिन तरियल नहीं निकले, काबर मोटा चमड़ी वाले ना सुबह के मां नांगर में लाख लाख के जोते बिचारा, और बोला कहूं पहला ही सर सीझे कि हाँ मन तुम जिसे साबुन लगा था भैया फर्क पड़ी, वो जब तक घुंडैया नहीं मारी वो चिखला नहीं अकेल होती, ये तो हाथी दादा देखा रम गया माता वहीं, और जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर करने लगा, जल में तरंगे उठने लगी भारी भरकम शरीर, और वही जल के नीचे गिरा बैठा मगर क्रोकोडाइल, जैसे देखा कोई डिस्टर्ब कर रहा है ऊपर से नीचे आया हाथी का भारी भरकम शरीर, सुखदेव कह राजा ने एक पैर को पकड़ लिया माता, और हाथी के पैर को पकड़ करके नीचे की ओर खींचने लगा, हाथी को आभास हो गया कोई चीज मुझे पकड़ रखी है, इन्होंने ताकत लगाई ऊपर की ओर आया, वो ताकत लगाए नीचे जाने लगा, ये ताकत लगाए ऊपर आने लगा, सुग्रीव के राजा इस प्रकार गृह अरे उच्च हुआ घन घोर खींच रहे दो की राजने अपनी अपनी ओर कभी ग्रह खींच करके राजन जल के भीतर ले जाता है, कभी मगर की ताकत ज्यादा हो जाए माताओं घर 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 नीचे ले जाए, कभी गज खींच करके राजन अरे जल के ऊपर ले आता है, कभी हाथी की ताकत ज्यादा हो जाए गर 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 ऊपर ले आ, और ऐसा करते करते समय बीतने लगा, और एक समय ऐसा है माताओं कि हाथी शरीर से अशक्त होने लगा, घर परिवार वालों को बुलाया, पत्नी बेटों को कहा आ जाओ रे, आज मेरे जीवन में संकट आया है तो तुम लोगों के कारण आया है, तुम लोग नहीं कहते पापा प्यास लग रही तो साथ आए, हाँ नहीं नहीं करता कोई पत्नी कोई बेटा बचाने नहीं आए माता, हाथी का सारा शरीर एक समय ऐसा लगने लगा कि अंत में गज के ऊपर ग्रह ही पड़ा सवाया, और कुछ दिन के बाद समय के बाद हाथी की ताकत कमजोर होने लग गई मेरे भाई, मगर की ताकत भारी पड़ गई, हाथी को लगने लगा मेरे शरीर में ताकत नहीं है मैं डूब जाऊंगा मर जाऊंगा, मगर भारी पड़ गया,
अच्छा आप लोगों ने मगर भी देखा होगा और हाथी भी देखे हो। हाथी कितना भारी भरकम शरीर वाला जीव और मगर छोटे से 5-7 फीट का रहता है सर, दोनों देखे। अच्छा अनुमान लगा के बताइए, हाथी की ताकत ज्यादा होगी कि मगर की ताकत ज्यादा होगी? काकर ताकत ज्यादा हुई मोहित भैया, मगर की हाथी बालों की देखे थे भले बीजे तरफ नहीं देखे लगभग, किसकी ताकत ज्यादा हो? मोहित भैया वकील ने घर से डर घलोक राख से पूछे और वकील मन के किसी नियम नहीं थे लेकिन ताकतवर नहीं रहे तनो बना देते तो याद हम आता हूं। यद्यपि हाथी महान ताकतवर है, हाथी के सामने मगर की कोई औकात नहीं है, वो तो 5 फीट का है, एक ही पैर सिर रख दी ना, मान ले जाए मगर की मुड़ी उड़ी में पेट पेट में तो हाथी के पैर ला दी, एक ठन चार ठन में कहूँ एक ठन गोला मढ़ा दी ना तो मगर ला दी कोटा निकल जी हो, टमाटर नीचे धनिया का चटनी पिसा जाता है पानी नहीं। लेकिन देख लो माता, इतना छोटा सा मगर इतने भारी भरकम हाथी के सामने कमजोर पड़ गया। क्यों माताओं? यद्यपि हाथी ज्यादा ताकतवर है लेकिन याद रखिए भले ही मगर छोटा है लेकिन फिर भी भारी इसलिए पड़ा क्योंकि स्थान का प्रभाव, जगह का प्रभाव। भले हाथी भारी भरकम शरीर वाला है, भले ताकतवर है लेकिन हाथी जो है जल का रहने वाला नहीं है, और मगर जो है भले छोटा है वो जल का रहने वाला, और जो आदमी जहां रहेगा वहां की ताकत करते ना भाई। मान ली आपके लिए बालों से कभी कल्पना करो, कभी रुक गए आप बस में बैठे हो, भगवान ने करे लेन देन के चक्कर में मान लीजिए कंडक्टर से 10-5 रुपए चक्कर में ऊपर नीचे हो, कंडक्टर चमका देगा कोई बात नहीं जाना जाओ चुपचाप बैठो यहाँ थोड़ा सा बात करो तो क्या करेंगे? अब वो दुरुगे चुपचाप बैठ जाओ लेकिन बैठे पहले कोई बात नहीं कंडक्टर की, आज भले 10 रुपये ज्यादा ले ले दुरुगे एक आदमी तक तो गाड़ी बालोदा ही न देख लू मैं तो लग तो भाई आदमी तय हुई है दुर्गे देखना बालों में काबर देख देख है, भले कुछ करो या मत करो लेकिन अपने गांव अपने घर का इंसान को ताकत हुए करता है। हाथी जो माता जल का नहीं मगर जल जा रहने वाला है, ताकत भारी पड़ गया। सारा हाथी का शरीर डूबने लगा, कोई पत्नी कोई बेटा बचाने नहीं ले आया, और तब बोले जय जग निवास जय जग प्रकाश जय जय जगत निहंगा, अरे दिन मन रंजन दुष्ट निकंदन दीन बंद भगवंता, अरे त्राहि माम शरणागत वत्सल प्रभु अब तो मुझे बचा लो।